उज्जैन की महाकाल घाटी और पटनी बाजार में गुरुवार शाम को एक नाबालिग ट्रैक्टर चालक ने कई वाहन चालकों को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में महाकाल मंदिर के पुजारी दिव्यांग सहित 6 लोग घायल हो गए। पटनी बाजार में लोगों ने चालक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। आरोपित चालक देवास के मुकुंद खेड़ी का रहने वाला है तथा मानसिक रूप से बीमार है। उज्जैन के व्यस्ततम मार्केट में गुरुवार शाम को करीब 7 बजे महाकाल घाटी व पटनी बाजार में एक ट्रैक्टर चालक ने तेज गति से ट्रैक्टर चलाते हुए आधा दर्जन दोपहिया वाहन चालकों को तथा एक कार को टक्कर मार दी, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। लोगों ने पटनी बाजार में ट्रैक्टर को रोककर उसके चालक को पकड़ लिया और महाकाल थाने ले गए। पुलिस ने चालक से पूछताछ कर उसके परिजनों से संपर्क किया था। आरोपित नाबालिग है तथा वह देवास के मुकुंद खेड़ी का रहने वाला है। वह गुरुवार शाम को अपने घर से ट्रैक्टर लेकर भाग निकला था। जानकारी लगने पर स्वजन उसे तलाश रहे थे। बताया जा रहा है कि नाबालिग देवास से सांवेर होते हुए उज्जैन आ गया था। यहां उसने महाकाल मंदिर के पुजारी विजय गुरु निवासी नई पेठ, हुसैन पुत्र भूरू निवासी गरीब नवाज कॉलोनी तथा एक दिव्यांग सहित 4 अन्य लोगों को टक्कर मार दी थी। गनीमत यह रही कि किसी भी व्यक्ति को गंभीर चोट नहीं लगी। ये पटनी बाजार से मैं निकल रहा था, गाड़ी से साइड में था, परंतु आगे से कोई ट्रैक्टर आ रहे थे, होल्ला करते हुए आ रहे थे। वो ट्रैक्टर बहुत तेज था, उन्होंने 2-3 गाड़ियों को उनने टक्कर मारी। उन गाड़ियों के वो जो उधर टक्कर मारने से गाड़ी मेरे ऊपर भी गाड़ी आई, वो मैं एकदम दबा, ट्रैक्टर वाला एकदम मेरी गाड़ी के ऊपर आ गया, मेरा पैर उस गाड़ी के मेरी गाड़ी के नीचे दबा। कितने लोग घायल हुए? अभी तो यहाँ 4-5 जने आए हुए हैं थाने पे, उसमें मैं भी हूँ एक, पर मेरा एक पैर में उसको गाड़ी पे दबने के कारण पैर पे थोड़ी चोट है। ट्रैक्टर चालक है, नाबालिग है, वो देवा से ट्रैक्टर लेके आया है। वो लेके आया इधर बेगम बाग होते पटनी बाजार होते हुए जा रहा था, तो रास्ते में 2-3-4 लोगों को टक्कर मार दी। जिनको थाने पे आए उनकी तरफ से FIR लिख रहे और मेडिकल करवाने उनको। ये मूल निवासी बता रहा कि देवास का रहने वाला है, देवास से घर बिना बताया ट्रैक्टर लेके आ गया है। दुर्घटना में सभी को मामूली चोट लगी है, हालांकि टक्कर के कारण कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मृदुभाषी के लिए उज्जैन से अमृत बैंडवाल की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।